नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, जैसे आप क्लियरली दिख जाए यहाँ पे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आया है नोटिफिकेशन। ग्रेड बी एग्जाम 2021 / प्रोग्रामर ग्रेड टू एग्जाम 2021 के लिए आया है नोटिफिकेशन की। आप लोग फटाफट जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा उधर उधर। और हाँ, ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो 5 मार्च 2022 तक अवेलेबल रहेगा, तो कृपया कीजिएगा कि आप उससे पहले ही यानी कि 5 मार्च से पहले जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा इस लिंक पर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे, वहाँ वहाँ ये यहाँ पहुँचेगा इस विंडो पर आप। तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो कि पहले पता आपको। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा, जो कि आप लोग जब फॉर्म फिल करने गए थे तो उस समय आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हो गया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना आप जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जो कि एप्लीकेशन में लिखे थे वो फिल कीजिएगा। यहाँ पे डे, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर, और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर मेल है तो मेल और फीमेल तो है फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में आप यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर दीजिए, कैप्चा मतलब जो यहाँ लिखा है ना XP2BY जो भी है स्मॉल कैपिटल में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे में यहाँ लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि अपना जो भी एग्जैक्टली वही डिटेल भरिएगा जो कि आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वो। और ऊपर में ये रेड में यहाँ लिखा हुआ है नोट करके कि जिन व्यक्ति का जिन कैंडिडेट का एप्लीकेशन स्टेटस कैंसिल रिजेक्ट नहीं किया गया है, बस वही कैंडिडेट अपना एग्जामिनेशन जो डाउनलोड है एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको आया होगा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है और रिजेक्ट किया गया है, तो जिनके एक्सेप्ट किया गया था बस उन्हीं वही व्यक्ति अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में लिंक दिया हुआ है, जाके आप क्लिक कर लीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, और साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर दिया था फॉर्म फिल किए थे तो आप उन्हें भी यह वीडियो सेंड कर सकते हैं, वो भी जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, बिल्कुल तुरंत दे देंगे जवाब आपका। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जॉब अपडेट से जुड़ा हुआ और एग्जाम अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।